तो इस वीडियो में दबा के गाली दिया गया है, किसी खोपचे या एयरफोन का इस्तेमाल करें भैया। नेक्स्ट मैं हूँ इस एरिया का सबसे बड़ा शूटर। शूटर? अरे भाई साहब तुम गलत जगह गए हो, यहाँ पे एक्टर लोग का सिलेक्शन हो रहा है, गैंगस्टर लोग का नहीं। अरे डायरेक्टर साहब, शूटर मतलब ये वाला शूटर नहीं, मैं कैमरामैन हूँ, कैमरामैन। अच्छा कैमरामैन हो? हाँ। शक्ल से तो कैमरामैन नहीं लगते। शक्ल से तो तुम भी डायरेक्टर नहीं लगते। चलो वो सब छोड़ो, पहले कोई मूवी शूट किया है? कोई मूवी? एक था टाइगर देखा? हाँ। मैंने ही शूट किया। टाइगर जिंदा देखा? हाँ। वो भी मैंने ही शूट किया। टाइगर 3 देखा? हाँ। नहीं नहीं कहाँ से देखो, वो मैंने अभी तक शूट ही नहीं किया ना। अच्छा ट्यूबलाइट देखा? हाँ वो भी तुमने शूट किया है। नहीं ऐसी फ्लॉप मूवी मैं नहीं शूट करता। शाबाश, मुझे बिल्कुल तुम्हारे जैसे कैमरामैन की जरूरत थी, अब तुम ही मेरे मूवी के कैमरामैन बनोगे। चाय पियोगे? मंगा लीजिए। रामलाल, रामलाल जल्दी दो कप चाय लेके आओ, कहाँ मर गए। नेक्स्ट। ये कौन जानवर घुस गया स्टूडियो में? आजकल के नले छपरे बेरोजगार डायरेक्टर आ जाते फिल्म बनाने के लिए, बहन के लोड़ो लिंग से कुछ होते नहीं, पैकेट मटन नहीं आ जाते फिल्म बनाने के लिए, फ्लॉप फिल्म के सुपरस्टार डायरेक्टर। कौन तुम और यहाँ क्या करने आए हो? बार बहुत लगा हुआ है, तेरे फिल्म का हीरो बनने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हें अपने फिल्म में हीरो नहीं लूंगा। तो मत लो, टीआरपी तुम्हें मिलेगी, मुझे थोड़ी ना। ये 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 नेक्स्ट। थोड़ा छोटा है ना डायरेक्टर साहब, पूरे 6 इंच का है, लेनी है क्या? अबे मैं हाइट की बात कर रहा था। अरे मुझे लगा फलान की बात कर रहे हो। ढेर चलाक का चौदा बन रहा। वैसे रंग थोड़ा गोरा रहता तो काम हो जाता। उठाइए ना। हेलो, अरे मुझे पता है सर, जवान ने सारा मूवी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, पर हमारा मूवी जवान का भी रिकॉर्ड तोड़ देगी। अरे पूरा थिएटर में आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। अबे अभी तो सावला था, गोरा कैसे हो गया? अरे डायरेक्टर साहब मैं पहली नजर में सबको सावला दिखता। चल वो सब छोड़, मेरे मूवी में काम करेगा? करूंगा ना, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं विलन से मार नहीं खाऊंगा। चल निकल, मुझे तेरे जैसे एक्टर की जरूरत नहीं है। अरे डायरेक्टर साहब तुम तो खामोखा गुस्सा हो गए, ये तो मैं मूवी का डायलॉग बोल रहा था, तुम चाहो तो अभी मुझे मार सकते हो। वैसे हो तो तुम बहुत मजबूत, फिर भी मैं तुम्हें अपनी मूवी में नहीं लूंगा। डायरेक्टर साहब अपनी मूवी मुझे हीरो ले लो। डायरेक्टर साहब क्या बताऊं तुम्हें, इस कदर की कड़की आ गई है ना, कोई 2-4 हजार देके गांड भी मारे तो वो भी मरवा दे। जब तुम 2-4 हजार के लिए अपनी गांड मरा सकते हो तो तुम मेरे मूवी को भी हिट करा सकते हो, अब तुम ही मेरे मूवी के हीरो बनोगे। आओ मूवी साइन करो। ठीक है कल टाइम से लोकेशन पे पहुंच जाना। ठीक है डायरेक्टर साहब। नेक्स्ट। अब क्या मेरी गांड में घुसेगा? ले मेरी गांड में घुस जा, घुस जा। आ ले घुस जा, घुस जा। अरे डायरेक्टर साहब एकदम से घुसू या फिर हल्का हल्का हूं? चल भोसड़ी के, अब क्यों आया है? मुझे तुम्हारा मूवी का विलन बनना है। पर तुम्हारे अंदर तो विलन जैसी कोई खूबी नहीं है।
कैसा लगा मेरा एक्टिंग? एक्टिंग? एक्टिंग था ये सब? हाँ, जब भी मैं एक्टिंग करता हूँ करेक्टर में घुस जाता हूँ। गुड, मुझे बिल्कुल तुम्हारे जैसे एक्टर की जरूरत थी। अब तुम ही मेरे मूवी के विलन बनोगे। आओ मूवी साइन करो। ये क्या, तुम पढ़े लिखे नहीं हो? पढ़ा लिखा रहता तो विलन बनता, हीरो ने बनता, कैसा गांडू डायरेक्टर है। चलो ठीक है, जाओ कल लोकेशन पे पहुंच जाना। ठीक है। डायरेक्टर साहब। हाँ? क्या? अरे मैं बोल रहा हूँ, फिल्म में हीरोइन का रेप करने का सीन है क्या? नहीं, ऐसी असली मूवी नहीं बनाते हम लोग। अच्छा, ये सब सीन नहीं है क्या? ये सब सीन करने का मैं एक्स्ट्रा चार्ज लेता हूँ। ठीक है, जाओ कल लोकेशन पे पहुंच जाना टाइम पे। ठीक है। नेक्स्ट। बहुत बड़े, बड़ी खूबसूरत हो तुम। तुम मैं हूँ। और पहले कोई फिल्म में कभी काम किया है? कोई फिल्म? मेरी एक तोड़ से फिल्म बनकर रखी हुई है। तभी तो डायरेक्टर साहब इसका चेहरा कहीं जाना पहचाना लग रहा। चलो कोई डायलॉग बोल के बताओ। हाँ? हे चुपो। ट्रैक्टर साहब दो चार लाइन और बुलवा ही लेते, मेरा हो ही जाता। चुपो सारी ठगी कहीं के। ये कौन सा फिल्म का डायलॉग था? ट्रैक्टर साहब याद आ गया, इसी की तो फिल्म देखता हूँ 12 बजे के बाद। तुम्हें ये सब मूवी क्यों बनाती हो? तुम्हारी कहानी बहुत इमोशनल है, फिर भी मैं तुम्हें अपनी मूवी में नहीं लूंगा। ले लो ना डायरेक्टर साहब। ये क्या कर रही हो? तुम्हें इंप्रेस कर रही हूं, बॉलीवुड में सब चलते है ना। चल छिनाल कहीं की, सड़क से उठा के किसी भी लड़की को स्टार बना दूंगा, पर तुम्हें अपनी मूवी में नहीं लूंगा, कभी भी नहीं। किसी भी कीमत पे नहीं। सोच लो डायरेक्टर साहब, मुझसे मूवी कराने के 3 फायदे हैं। पहला, तुम मूवी जैसे भी बना उसे हिट मैं कराऊंगी। दूसरा, मैं फीस कम लूंगी। तीसरा, जब कभी सूट पर ठंड ज्यादा तो समझ रहे ना डायरेक्टर साहब। हाँ मेरी जान, सब समझ गए, अब तुम्हें तो मेरी मूवी की हीरोइन बनोगी। आओ मूवी साइन करो। रामलाल कहाँ मर गया, अभी तक चाय लेके नहीं आया। ठीक है कल लोकेशन पे आ जाना, कल शूट है। डायरेक्टर साहब सिलेक्शन खत्म हो गया पर अभी तक चाय नहीं आया। अरे लगता है ये रामलाल घर चल गया है। एक काम करो, तुम भी घर जाओ, कल लोकेशन पे आ जाना, कल शूट है। ठीक है? ठीक है जाओ। वैसे डायरेक्टर साहब मूवी का नाम क्या है? भाभी का लहंगा उठा के। अरे डायरेक्टर साहब मेरे उठा लो। अरे तुम तो हमेशा फॉर्म में रहती हो, ये मूवी का नाम है। ओह नो। और तुम लोग रेडी हो गए? हाँ डायरेक्टर साहब हम लोग रेडी हैं। आओ तुम लोग को रोल समझाते हैं। हीरो पहला शॉट कुछ ऐसा, और हीरोइन, हीरोइन। अरे ट्रैक्टर साहब शॉट रेडी है, जल्दी आ जाओ। अरे बहन की लौड़ी, अब काले के मानेगी? हाँ। अभी नहीं, रात को लूंगा, रात को।
अरे डायरेक्टर साहब आगे कुछ समझाओगे या मैं जाऊं? ए रुको, समझाते। देखो पहला सीन कुछ ऐसा है, तुम दोनों को सामने से चल कर आना है और आपस में नाइन मटक्का करना है। हीरोइन तुम्हें फिसलने का एक्टिंग करना है, हीरो तुम्हें हीरोइन को अपने बाहों में भर लेना है, समझ गया? हाँ समझ गया। समझ गए? हाँ समझ गया। हम मान नहीं सकते। अरे समझ गया डायरेक्टर साहब, तुम एक बार में समझ ही नहीं सकते। समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया। तुम समझ ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते। रुको मैं करके दिखाता हूँ। अरे डायरेक्टर साहब समझ गया। समझ गया तो दिखाई गलती कर, उसके बाद तेको हम बता रहे। लाइट कैमरा एक्शन। क्या कर रहा है? यही सिखाया था मैंने। अरे डायरेक्टर साहब मिस्टेक हो गया, इस बार नहीं होगा। ठीक है फिर से करो। लाइट कैमरा एक्शन। क्या शॉट दिया तुमने? पूरा सेट पे आग लगा दिया, आग लगा दिया है। विलेन कहाँ गया रे? कहाँ गया रे विलेन? अरे आ रहा हूँ डायरेक्टर साहब। समझ गया ना? रोल कैमरा एक्शन। ये मेरा बड़ा भाई है, अगर तूने मेरे बड़े भाई को हाथ भी लगाया तो बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। कट कट। अरे ये तेरा भाई है, तेरा बेटा नहीं। ओह नो। ए तुम सिगरेट लेके आओ। कैसा एक्टिंग कर रहा है? ऐसी एक्टिंग के लिए मैंने तुझे 10 लाख में साइन किया है। अरे ठीक है मुझे मेरा पैसा दे दो। पैसा? पैसा वैसा नहीं मिलेगा, अभी मूवी कंप्लीट होने के बाद मिलेगा। अरे डायरेक्टर साहब मैं पूरा पैसा थोड़ी ना मांग रहा हूँ, मेरा 9,99,920 रुपया आप रखो, मुझे सिर्फ 80 रुपये दो। क्यों? पुष्पराज देखा है? हाँ। वैसे मैं पौवा बाजे, पौवा ने पिया तो एक्टिंग नहीं करेगा साला। क्या बोल रहे साला? एक्टिंग नहीं करेगा साला? नहीं करेगा साला। एक्टिंग करेगा रे साला? पौवा ने पिया तो एक्टिंग नहीं करेगा साला। हम देखो पौवा का पैसा देगा रे साला। हाँ तो एक्टिंग करेगा ना साला? तो पैसा लेना रे साला? तो देना रे साला? तो जाना रे साला? तो जा तो रहे रे साला। कैसा कैसा एक्टर को साइन कर लिया, पूरा सिर दर्द कर रहा। रामलाल रामलाल जल्दी चाय लेके आओ। अब कहाँ है रे साला? चाय बना रे साला, चाय वाला पी के जाना रे साला। तो रुक ना रे साला। तो रुकल तो है रे साला। तो चुप ना रे साला। चुपल तो है रे साला। कहाँ रे साला? जल्दी चाय लेके आ रे साला। डॉक्टर साहब दूध खत्म हो गया। oh, no. आज तक तो साले एक ठो भी चाय नहीं पिलाया और आज आया भी तो बोला दूध खत्म हो गया तेरी। ए, हटो। रामलाल हम वो सब नहीं जानते, कहीं से भी दूध लेके आओ। डॉक्टर साहब इतनी घनी जंगल में दूध कहाँ मिलेगा? कैमरा बंद करो।
वाला पूरा मूड खराब था। करता मैं तेरा शुक्रिया, तूने दूध मुझको दिया, मैं रवैया अवस्था भैया। एक्शन। देख, मैं इससे प्यार करता हूँ ये जरूरी नहीं है, तू इससे प्यार करता है ये भी जरूरी नहीं है, ये किससे प्यार करती है वो जरूरी है। मैं तो इससे करती हूँ। ओह नो। मदद। अच्छा वो सब छोड़ो, अभी मुझे शादी के लिए जो इंप्रेस कर देना, मैं उसकी हो जाऊंगी। मैं तुमको पहली नजर में देखा और हो गया हूँ तुम्हारा दीवाना, तुमसे शादी करके मुझे अपना घर बसाना। हे मैन, शी इज नॉट लाइक होम, शी लाइक इज बंगलो। आजकल की लड़कियां को घर नहीं बंगले पसंद है, और मेरे पास चार चार बंगले हैं। माई मंथली इनकम 1,20,00,000 एंड 1 BMW, 2 Fortuner, 3 Lamborghini, 1 Bugatti Chiron, 2 Jaguar एंड 3 RTR, सब कुछ मिला के विद यू मैरी मी। यस यस यस, मैरी मी ने मरा। बस हो गया तुम्हारा। मुझे ना करने की सिर्फ एक वजह बता दो। तुम्हें ना करने की सिर्फ एक ही वजह है। क्या? तुम्हारा इंग्लिश बहुत कमजोर है। इंग्लिश कमजोर है तो क्या हुआ, लोड़ा तो मजबूत है ना। बस मुझे तुम एक मरते अपनी टांग उठाने का मौका दो। ते मेरा होने वाले वाइफ के बारे में ऐसा कैसे बोला? चल हट बहन की लोड़ी, आज इसको छोड़ेंगे नहीं। डायरेक्टर साहब, आप मेरी गांड मारो या हीरोइन से मार खिला दो, बस बीच में ऐसे एक आक्शन नोट देते रहना। ठीक है ठीक है, एक्शन। मैं उसे नहीं छोड़ सकती। Oh, no. और मुझे देख, शादी तो मैं उसी से करूंगी, लेकिन तू मुझसे इतना प्यार करता ही है तो मैं तुझसे भी कभी कभी मिल लिया करूंगी। बस, अरे इसने लूटा उसने लूटा, लूटा तुमने मुझे, किसने लूटा? नहीं, मैं किसी कुत्ते का जूठा खा सकता हूँ, सुअर का जूठा भी खा सकता हूँ, यहाँ तक अपना टट्टे भी खा सकता हूँ। हाँ हाँ, तेरा लौड़ा भी खा सकता हूँ, लेकिन जिसमें का जूठा नहीं। कट। चल बहन की लौड़ी यहाँ से फाड़। गजब, क्या शॉट दिया है, मजा आ गया। सबको सुनो ध्यान से, कल मूवी का लास्ट शूट है, अभी सबको चलो रूम पे आराम करो, तब तक के लिए पैक अप। साला ट्रैक्टर बहन का लौड़ा, एक तो पूरा दिन कुछ खिलाया नहीं है और ऊपर से सारा सामान ऐसे ही छोड़ के चला गया है, कैमरा मैन का कोई इज्जत ही नहीं है बे। तुम्हारा काम मुझे पसंद आया,
मैं तुम्हारा हाजिरी बढ़ा दूंगा। सच में डायरेक्टर साहब? हाँ। ये लो स्क्रिप्ट, उन लोग को ले जाके दे दो। ठीक है डायरेक्टर साहब। ये क्या लगता है शूट अभी स्टार्ट हो गया है, पर मेरे पास तो कैमरा भी नहीं है। अगर शूट मिस हुआ तो डायरेक्टर बहन का लोग बहुत मारेगा। oh, no. एक काम करता हूँ, फोन से ही कर लेता हूँ। क्या हुआ हीरोइन को? मुझे क्या पता डायरेक्टर साहब, मैं आया तो देखा इसे बेजान पड़ी हुई है। ये तो मर गई, कैसे मरी है? लगता है डायरेक्टर साहब किसी ने इसका चाकू मार के हत्या कर दिया है। पर इसके शरीर पे तो कहीं चाकू का निशान नहीं है। डायरेक्टर साहब मुझे लगता है ये बेचारी को अंदरूनी चोट लगा है। कितनी अच्छी हीरोइन थी, कितने बड़े बड़े मरने के बाद भी कितनी क्यूट लग रही है। ऐसी हीरोइन अब हम लोग को कहाँ मिलेगी डायरेक्टर साहब? डायरेक्टर साहब जब दूध खत्म हो जाती थी ना तो दूध दे देती थी। लगता है हीरोइन के मरने का सबसे ज्यादा सदमा तुझे ही लगा है। नहीं डायरेक्टर साहब, मुझे हमेशा बोलती थी कि टांगे उठाने देगी, उससे पहले ही मर गई साली। चलो मरने के बाद इसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। डायरेक्टर बहन का लौड़ा, कम से कम इसकी आखिरी ख्वाहिश तो पूरी कर लेते। मदद चो, बर्बाद हो गया। मैंने और आप डायरेक्टर साहब इतने अच्छे एक्टर हैं, हमें तो पता ही नहीं था। oh, no. हीरोइन के मरने पे बावला हो गया, क्या क्या बोल रहा है डायरेक्टर साहब? आप अभी भी एक्टिंग में हो? डायरेक्टर साहब मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने ऐसा शूट किया है कि मेरी वजह से ये फिल्म ऑस्कर में जाएगी। रात बहुत ज़्यादा हो चुका है और कल शूट का लास्ट दिन है। बहुत थक गया हूँ, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। मैं हीरो हूँ, मैं पहले लूंगा। अरे ना, हर मूवी में पहले विलन ही लेता है हीरोइन की, इसलिए मैं पहले लूंगा। तुम लोग आर्टिस्ट नहीं, तुम लोग रेपिस्ट हो, रेपिस्ट। सालो दरिंदो, मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं। ट्रैक्टर बंदर पागल हो गया है बाप। हेलो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो गाइस तो वीडियो को लाइक करें और गाइस वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो गाइस, क्योंकि बहुत मेहनत लगा है। और हमारा चैनल किंग ऑफ रील पर सब्सक्राइब करो भाई जल्दी जल्दी। और इंस्टा फेसबुक पेज पे हम लोग का यही नाम से चैनल है किंग ऑफ रेल पर, जाके फॉलो करो गाइस जल्दी जल्दी सबको एकदम। और गाइस अगर आप लोग ये वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लो। बाय।